हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सी जी सी ऑनलाइन क्लासेस। मैं आशीष श्रीवास्तव आप लोगों का सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के ग्रुप सेकंड पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट के बायोलॉजी सब्जेक्ट का हम लोग यूनिट फर्स्ट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग आज से यूनिट सेकंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के सारे पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और असाइनमेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। होमवर्क वाले ऑप्शन में आप लोगों ने असाइनमेंट क्वेश्चंस को आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। आज से यूनिट सेकंड में इस लेक्चर फर्स्ट में हम लोग जो हमारा आज का टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, आप लोग इस टॉपिक से ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस यूनिट के थोड़ी बहुत इसके डिस्कशन कर लेते हैं कि इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, खास करके जो हमारा आज का टॉपिक है उसके रेफरेंस में हम लोग समझते हैं। जैसे जैसे हम लोग इस यूनिट के अलग अलग टॉपिक को पढ़ेंगे उसके रेफरेंसेस हमारे एग्जामिनेशन में क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या होगी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये आप लोग के एग्ज़ाम में ये दोनों तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और आपका डायरेक्टली आपका अप्लाइड क्वेश्चंस में भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है तो ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में जैसे आपका आया हुआ है 2018 के एग्ज़ाम में आपका व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब कि पोषण किसे कहते हैं, वो पौधों में स्वपोषी परपोषी पोषण के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, पौधों में परपोषी पोषण के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपके डिफरेंसेस भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन में आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड में ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं और डिफरेंशिएट आपका खासकर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं उसमें ये आपके एग्ज़ाम में मोड्स पूछे जाते हैं कि किस तरीके के अलग अलग, जैसे हेटरोट्रॉपिक जो आपके न्यूट्रिशन है उसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में कैसे उसका प्रोसीजर क्या है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस एंड द सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ फूड। जैसे हमारे सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसके कई डिफरेंट टाइप के हमारे सोर्सेस हैं। तो जो हमारा न्यूट्रिशन है, जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, हमारे ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि किस तरीके के हमारे प्लांट्स में न्यूट्रिशन का क्या मोड क्या होता है। ठीक है, तो एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक आपका हेटरोट्रॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो फेमिलियर आप लोग इस वर्ड से हैं ही, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन में एक सिंपल लैंग्वेज को समझें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, कि अपना भोजन जो होते हैं वो स्वयं से बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये अपने फूड को बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सच ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक। आप इसके स्क्रीन पर आप पिक्चर्स में भी देख रहे होंगे। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल विच हेल्प्स इन ट्रैपिंग द सनलाइट एनर्जी
ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस है इसकी इस प्रोसेस के थ्रू होता है फोटोसिंथेसिस। आपके एग्ज़ाम में फोटोसिंथेसिस का एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को इसको अलग से भी आपको एग्ज़ाम में प्रिपेयर करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में। मैंने आपके इस लेक्चर में फोटोसिंथेसिस का एक ब्रीफ में मैंने एक शॉर्ट नोट्स में भी बना कर रखा हुआ है, आप इसको आप अपने नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस। द फूड प्रोड्यूस बाय ऑटोट्रॉप इज यूज बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस है वो कैसे होती है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू सिंथेसाइज स्टार्च। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रक्रिया है जो कि हमारे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और इसमें इस प्रक्रिया में डिफरेंट टाइप के जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग इसमें आपके वर्क करते हैं। क्योंकि जैसे कि लीव्स, ये क्या करता है, दे आर कंसीडर्ड एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। पूरे प्लांट का जो फूड है उसको क्या करता है, स्टोर करता है इसी में। फिर स्टोमेटा क्या, यहाँ पे क्या वर्क है आपका, इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव इज यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। जैसे कि आपने इसमें आप देख ही रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे ऑब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, एंड देन रूट्स ये क्या करते हैं, ये भी ऑब्जॉर्प्शन का काम करते हैं जो कि रूट्स में होते हैं। तो खास करके ये मिनरल्स और वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल और ट्रांसपोर्ट को डिफरेंट प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट्स में। ठीक है, तो लीव्स ऑफ द वैस्कुलर प्लांट्स हैव ए स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। लीव्स में ही एक स्पेशल क्रस्ट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल भरा होता है। एक प्रोसेसेस होती है, तो प्लांट्स सिंथेसाइज ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो प्लांट्स है जो सिंथेसाइज करता है ग्लूकोज किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के प्रेजेंस में ये सिंथेसाइज करते हैं। और स्टोमेटा जो होते हैं, लीव रिलीजेस ग्रीन ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो डे टाइम में होती है, और सिंथेसाइज जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन। तो इस तरीके से ये ग्रीन प्लांट्स अपने प्रोटीन यूजिंग नाइट्रोजन विच कूड बी ऑब्टेन फ्रॉम द सॉयल से इस तरीके से मिनरल्स और वाटर को अब्जॉर्ब करने के बाद ये पूरी प्रोसेस होती है। तो आप इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आप अपने वर्ड्स में भी आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू। आप इसको बना करके भी आप अपने नोटबुक में आप इसको कंप्लीट अच्छे से कर सकते हैं। हमने इसको बहुत शॉर्ट में ब्रीफ में बताया है क्योंकि आपको ऑलरेडी इसके बारे में अच्छे से पता है। तो आपको किस तरीके से अपने क्वेश्चन को फ्रेमिंग करना है, यहाँ पर हमने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। एंड नेक्स्ट, जैसे ऑटोट्रॉप्स एग्जांपल्स, जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं कि ऑटोट्रॉप्स एग्जांपल्स इसके क्या क्या होंगे। जैसे एल्गी है, ग्रीन एल्गी है एंड रेड एल्गी, जैसे बैक्टीरिया सच एज साइनोबैक्टीरिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स को आप डायमेट्रिकली बना करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, व्हाट इज़ द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेकंड हमारा जो मोड है न्यूट्रिशन का वो क्या है, हेटरोट्रॉपिक। तो हम पहले समझते हैं कि हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है। ठीक है, जैसे फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, एनिमल्स है, तो ये क्या है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली स्टेटमेंट में इसको समझें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, वो किस पर डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो दिस इज़ नोन एज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके,
Therefore, organisms that depends on other organisms for food are known as heterotrophs, example man, dog, cat, etc. And some non-green plants including yeast, basically heterotrophs depend on plants or other organisms for their food. ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी ये तो आप स्टेटमेंट में आप इसको समझेंगे ही, बट आपके एग्ज़ाम में मोड्स आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम में आपसे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी आपको अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, जैसे इन नेचर ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट्स वेरियस टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तो इन तीनों न्यूट्रिशन के बारे में आपको अलग अलग सेपरेटली आपको इसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन से. व्हाट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो इन्वॉल्व द इंजेशन एंड इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फूड इन ऑर्गेनिज्म. एक तरीके का प्रोसेस है हमारा जो इंटरनल प्रोसेसिंग होता है. दिस इन्वॉल्व द स्टेप्स ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन. आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोसेस है होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें है, तो आप किसी कोई एक एग्जाम्पल से आप एग्जाम से समझा सकते हैं. जैसे हमने अभी यहाँ पे स्क्रीन पर मैंने आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा यहाँ का मैंने आपको ड्रामेटिकली आपको समझाया है. ठीक है, तो अलग अलग इसके चीज़ों को ध्यान से समझते हैं कि सबसे पहला जो है यहाँ पे देखिए हमने इंजेशन वर्ड बोला हुआ है. ये क्या है कि इनटेक ऑफ फूड विच इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन. इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोकन करके सिंपल ऑर्गेनिक मैटर्स के प्रोसेस द्वारा इसको बोलते हैं क्या है? बोलते हैं डाइजेशन. इसके बाद आफ्टर एग्जेक्यूशन ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स द अनवांटेड एंड अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स आर एक्सक्रेटेड आउट. जो हमारे अनयूजफुल जो यूजफुल जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनका कोई भी हमारे बॉडी में इसका कोई मतलब नहीं है उसको क्या होता है? एक्सक्रेटेड आउट किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स जो एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन इंक्लूड और वर्टिबेट्स. इवन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा आल्सो एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन. इसको हम अच्छे तरीके से इसको प्रोसेस को हम एक अमीबा में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम यहाँ ड्रामेटिकली इसको समझाते हैं. जैसे अमीबा एग्जिबिट्स होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इसमें यूज किए जाते हैं उसको ध्यान से समझते हैं. द अमीबा प्रोजेक्ट्स इट्स स्यूडोडोपिया पोडिया एंड इन सर्कल्स द फूड. इट देन इनग्यूफीज द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. द फूड वैक्यूल्स ऑफ अमीबा आर रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच हेल्प ब्रेक द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन. ठीक है, जैसा कि हमने अभी बताया कि इस प्रोसेस में आप ध्यान से देखेंगे कि अमीबा में यहाँ पे क्या है? फूड पार्टिकल्स है. ठीक है, ध्यान देख रहे हैं फूड पार्टिकल का. देखिए जो दूसरा स्टेप है आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस में, यहाँ पे जो फर्स्ट आपको पोर्शन में आपको दिया गया है, तो जो फूड को प्रोसेस को यहाँ पे इनगल्फ कर रहा है वो हमारा जो वर्ड है उसको क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस. ठीक है, अब जो डाइजेस्ट जो फूड है इसको ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है इनटू साइटोप्लाज्म. ठीक, लिविंग बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स एंड दिस ऑब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल. जो ये ऑब्जॉर्ब फूड है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है एनर्जी में, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट को करने के लिए. ठीक है, आप ध्यान से इसके डायग्राम को देख रहे होंगे स्क्रीन पर. द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज इजेक्टेड आउट बाय द रप्चरिंग टू द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये इसके प्रोसेस है. आप इस डायग्राम को आप अपने नोटबुक पे बनाएंगे. नेक्स्ट हमारा जो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है वो और इसको कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. इसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है. जैसे फॉर द फर्स्ट इज हर्बीवोर्स. नेम से ही आप फैमिलियर हैं हर्बीवोर्स. दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड.
जैसे काउस, बफेलोस, डियर, एलिफेंट्स एंड हर्बीवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स, दीज एनिमल्स फीड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, जैसे लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स और कार्निवोर्स। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि किसी दूसरे एनिमल्स पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओमनीवोर्स, दीज एनिमल्स कैन सर्वाइव ऑन आइदर प्लांट्स ऑन एनिमल्स फॉर देयर फूड, जैसे कॉकरोच, पीग, चिंपैंजी, रैकन्स एंड आर सम एग्जांपल्स ऑफ ओमनीवोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स मतलब कि एनिमल्स विच फॉलो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन फीड ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी। ठीक है, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन ऐसे जो कि जो डेड आपके ऑर्गेनिज्म है, डिकेड ऑर्गेनिज्म है, वो एनर्जी के लिए यहाँ पे इसके थ्रू अपना वो न्यूट्रिशन लेते हैं। दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम एज दे हेल्प टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट बैक इनटू द इकोसिस्टम। सबसे अच्छी बात ये है कि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम है जो कि हमारे एनवायरमेंट को एक क्लीन और रिसाइकल न्यूट्रिएंट को स्ट्रक्चर करने में ये हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे भी हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो सेप्रोफाइट्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेप्रोफाइटिक फाइट्स आर फंजाई एंड सर्टन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे यूजफुल हैं और कुछ बैक्टीरिया जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। दे आर जैसे आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेलिंग ऑफ ब्रेड एंड अदर सिमिलर फॉर फूड प्रोडक्ट्स। आप अच्छे से आप देखते होंगे कि जैसे आप ब्रेड को आप देखते हो, कुछ दिन के लिए ब्रेड को आप छोड़ देते हो तो उसमें कुछ फंगस निकल के आते हैं, यूजफुल नहीं होते हैं, वो भी हमारे क्या हैं, वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के। आप देखो फंजाई जो फंगस वाले जो हैं ये एग्जांपल हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे आप दूध से दही का बनना, इट इज़ ए प्रोसेस। ठीक है, सेप्रोफिटिक फाइट्स रिलीज सर्टेन एंजाइम्स टू एक्ट ऑन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, इट वर्क्स बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू कंस्टिट्यूएंट्स व्हिच कैन बी इजिली कंज्यूम्ड बाय देम। आपको इसी को अलग अलग एग्जांपल से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसको समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड एक्वायर फूड एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट आर कॉल्ड पैरासाइट्स। मोस्ट पैरासाइट्स आर हार्मफुल टू द होस्ट हेल्थ, समटाइम्स दे इवन किल द होस्ट। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स मे सर्व एज अ होस्ट, अनलाइक कमेंसलिज्म द पैरासाइट्स कॉज ए सम हार्म टू इट्स होस्ट। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स आर ह्यूमन हेड। तो इस तरीके से जैसे आपके टेपवर्म्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं। कभी कभी ये यदि कहा जाए तो जो होस्ट है उनको भी ये एक हार्मफुल आपको करते हैं, और कुछ तो इस अपने होस्ट को ही ये क्या करते हैं, मार देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन, आप इसको आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में आप देखें, इट इज़ आल्सो नोन एज द टंग ईटिंग लोज एंड द एप्टिटी नेम टू नेम सो एज इट इज़ फाउंड इन द माउथ ऑफ द मैरिन फिश। ठीक है, आप ये एग्जांपल्स में इसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो अलग अलग इसके टाइप्स में आप इसको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे बेसिकली विद द एग्जांपल कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, किस में पाया जाता है। ठीक है, चाहे तो उसको आप ड्रामेटिकली भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यदि आप बात करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉप्स जो हैं आर मेंबर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो किसके हैं, प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं। एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक साइनोबैक्टीरिया। ऑन द अदर हैंड हेटरोट्रॉप्स आर ऑल द मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम। तो सीधे एक वर्ड से समझिए कि जो ऑटोट्रॉपिक है वो प्लांट से रिलेटेड है, जो जितने भी हेटरोट्रॉपिक है वो एनिमल किंगडम से रिलेटेड है। तो फर्स्ट इसका डिफरेंसेस। सेकेंड इसके आप डिफरेंसेस की तरफ चले तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉप्स इफ दे आर प्रोड्यूसर्स। ये
उत्पादक हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके, सनलाइट, किसके प्रोसेस में, विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेटमेंट एकदम सिंपल है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉफ्स एज इज दैट दे आर प्रोड्यूसर्स एंड प्रिपेयर देन ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड नेक्स्ट, जबकि यदि हम बात करें हेटरोट्रॉप्स में, तो वेयर इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉप्स इज देयर दे आर अ कंज्यूमर्स हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिफरेंसेस समझे हम, तो ऑटोट्रॉप्स जो है वो कैन बी क्लासिफाइड इंटू फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड ये वर्ड आप ध्यान से इसको स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा, आपको लिखा हुआ है इसको, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड केमो ऑटोट्रॉप्स। आपके एग्जाम्स में टाइप्स भी एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। यदि आप हेटरोट्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे वही वर्ड लिखे जाएंगे, बस यहाँ पे फोटो और केमो वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंसेस की भी बात करें कि फूड चेन में, तो इन द फूड चेन ऑटोट्रॉप्स फ्रॉम द लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल, जबकि हेटरोट्रॉप्स क्या है वो ट्रॉफिक लेवल का या तो सेकेंड है या तो थर्ड लेवल के अंतर्गत आता है। ऑटोट्रॉप्स क्या है, ये प्रोड्यूसर्स की तरह एक्ट करते हैं, जबकि हेटरोट्रॉप्स क्या है वो कंज्यूमर की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस हम समझें, तो इन सम ऑटोट्रॉप्स सोलर एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, वेयर इज हेटरोट्रॉप्स सोलर एनर्जी स्टोरेज और यूटिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। जो ऑटोट्रॉप्स में होता है वो सोलर एनर्जी को स्टोर किया जाता है, ठीक है, स्टोर सोलर एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी, जबकि हेटरोट्रॉप्स में सोलर एनर्जी को स्टोरेज या फिर पॉसिबल नहीं है, तो उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट, इन ऑटोट्रॉप्स क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन द प्रिपेयरिंग फूड, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फूड को प्रिपेयर करने में, जबकि हेटरोट्रॉप्स में कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट किंगडम में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोरो इसमें हेटरोट्रॉप्स में वो अपना भोजन स्वयं बनाते ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो है, ऑटोट्रॉप्स में ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज बाय कवरिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जबकि हेटरोट्रॉप्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने एनर्जी को ले लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, एंड द सेकेंड लास्ट, ऑटोट्रॉप्स जो है वो कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस, ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं मूव कर सकते हैं, जबकि हेटरोट्रॉप्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। ठीक है, एंड लास्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स, आप इसको डिफरेंसेस में भी एग्जांपल्स में लास्ट में लिख सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड फ्यू फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एंड द एग्जांपल्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स आर काउज, बफेलोज, टाइगर्स, इट्स लाइक ऑल एनिमल्स। ठीक है, तो द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, तो आपने इसको अच्छे से ध्यान से समझा। आज के इस लेक्चर में आपने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को इसको एज ए असाइनमेंट के थ्रू आप इसको कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने आपको यहाँ पे एज ए कॉन्सेप्चुअल आप मैंने आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।